फाइनली हमारी वेजिटेबल जो है वो कुक हो गई हैं, आप देख सकते हो। अब इन्हें मैश करना होगा। मेरे पास तो मैशर नहीं है, आपके पास मैशर है क्या? अगर है तो प्लीज़ आप उसे मैश कर लें मैशर से, वरना मैं थोड़ा इस तरह से मैश करूँगी और फाइनली आपको दिखाऊँगी कि कैसा मैश हुआ मेरा। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक। इतनी मैश हो गई है, इतना छोटे छोटे टुकड़े तो चलेंगे ना यार। मैसर नहीं है मेरे पास, मेरे तो हाथ दुखने लगे इससे, चम्मच से करते करते। आई थिंक दिस इज सफिशियंट। थोड़ा पानी ज़्यादा सा लग रहा है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा देर ज़्यादा देर कुक करना पड़ेगा ताकि इस पानी को मैं ड्राई कर सकूँ। चलो अब इसे हम टमाटर प्याज और पाव भाजी मसाला डाल के इसकी परफेक्ट भाजी बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑयल गरम हो चुका है, हम डाल देंगे इसमें जीरा, थोड़े से मस्टर्ड सीड और फिर हम डाल देंगे अपनी अनियन। और आप सबको बहुत ज़्यादा कुकिंग एक्सपर्ट है, इसको कर दीजिए फ्राई। प्याज हो रही है फ्राई, तब तक मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप पाव भाजी में क्या सब्जियाँ डालना पसंद करेंगे? वैसे तो मेरी बहन जो है ना वो पाव भाजी में ना लौकी डाल देती है, क्या आपने कभी लौकी वाली पाव भाजी ट्राई की है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्याज तो बहुत तीखी है, मेरे तो अभी तक आंसू आ रहे हैं। पता नहीं कौन सी वेराइटी की प्याज है। हम ऐड करेंगे इसमें मसाले, धनिया पाउडर, यहाँ मैं दे रही हूँ 3 स्पून धनिया पाउडर, हल्दी 1/2 स्पून, रेड चिली पाउडर 2 स्पून। ये सिर्फ कलर के लिए है, तीखी नहीं है। आप अगर आपको तीखा पसंद है तो आप तीखे अपना डाल सकते हो, ये तो मैंने कलरिंग के लिए डाला हुआ है। थोड़ी देर मसालों को खुशबू आने लगी है, साथ ही हम इसमें डाल देंगे पाव भाजी मसाला, वो भी आप एटलीस्ट 2 चम्मच डाल दीजिए इसमें। मैंने यहाँ पे एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला यूज़ किया है, आप अपने इच्छा के अनुसार कोई भी पाव भाजी मसाला यूज़ कर सकते हो। हमने ऑलरेडी नमक जो है वो जब सब्जी हम बॉईल कर रहे थे तब हमने ऑलरेडी डाल दिया था, पर यहाँ पर भी मैं थोड़ा 1/2 चम्मच डालूँगी। आप देख लें टेस्ट करके, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं और नहीं डालना है तो ज़रूरी नहीं है। अभी हम मसाले को 1 मिनट के लिए भूनेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को थोड़ी देर वो कर सकते हैं, पर मेरे सब्जी में ऑलरेडी पानी एक्स्ट्रा है तो मैं यहाँ पे पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली इसमें अपना जो सब्जी मैंने मैश करी हुई रखी है वो डाल रही हूँ। सो यहाँ मैंने सब्जी को डाल दिया है और अच्छी तरह से मसाले को इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। यहाँ मैंने सब्जी को डाल दिया है, मसाले को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो मैं थोड़ा सा पानी इसका ड्राई करूँगी तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा ड्राई करने में लग जाएंगे शायद 10 से 15 मिनट। सो लेट्स टेक अ 15 मिनट बॉइलिंग। सो भाजी इज रेडी। आई थिंक इतनी गाढ़ी काफ़ी है, ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी है ना। तो यहाँ मैं कर देती हूँ स्विच ऑफ, और स्विच ऑफ होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 स्पून नींबू का रस, कोरिएंडर, धनिया पत्ती मैं डाल दी चॉप करके,
और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। अब हम तैयारी करेंगे अपने गर्मा गर्म पाव की। सो यहाँ मैंने इसको मिक्स कर दिया और हमारी अब भाजी खाने को रेडी है। तो चलिए बनाते हैं अब पाव। पैन हो गया है रेडी और अब हम इसमें डालते हैं ना बटर। सो मेरा बटर जो है वो सॉल्टेड है। अगर आपका बटर सॉल्टेड नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हो। आप थोड़ा फ्लेम कम ही रखें, है ना। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ती। ओके, इस तरह से थोड़ा सा फ्लेम को धीरे ही रखें वरना आपका बटर जल जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें इस तरह से आप थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। इस तरह से मैं अपनी एक साथ हम 4 से 5 पाव जो है वो सेक लेंगे। सॉरी, मेरे बोलने में फोकस नहीं रहता है क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं मेरा खाना जल ना जाए। थोड़ा सा मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे शायद आदत हो जाएगी। आप अपने इस तरह से इनको पलट दीजिए। फ्लेम को हल्का ही रखिए ताकि आपके पाव अच्छे से सिक जाएं। सो देखिए, हमारी भाजी ऑलरेडी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो ही चुकी है ना। क्या लगता है, कंसिस्टेंसी ठीक है? ठीक है। Thank you.